तो भाई ये देखो मोर, मोर ये डेली यहाँ आता है और डेली सारी ये फसल खा लेता है। रुक जा मोर, आज तुझे पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अच्छा 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 अच्छा, गाय का दूध कहाँ से मिला तुझे? देखो गाय का दूध लाई है चीनू। वो पर छानू किस चीज में? पतीले में। मैं देती हूँ पतीला, उधर जा तू, मैं पकड़ाती हूँ। पतीला नहीं मिलता तुझे घर में, तू मालकिन है। उस दिन कह रही थी मैं मालकिन हूँ इस घर की। सारे पतीले फ्रिज में स्टोर कर रखे हैं आपने। तो गाइस अभी मैं बनाऊंगी घिया का रायता और चने की सब्जी, जो कि चीनू कई दिन से बोल रही है चने बना लो। तो इसके ऊपर ये झाग आ जाते हैं, मैं हमेशा निकालती हूँ। देखो कितने गंदे झाग हैं, कितना केमिकल होगा इसमें, कितनी गंदगी होगी, जो भी होगा, पर ये हटा देने चाहिए। देखो इसको ना उबाल लो काफी देर, ये अपने आप ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी ढक्कन नहीं लगाना चाहिए साथ साथ, कई बार साथ साथ ढक्कन लगा देते हैं, नहीं ध्यान रहती। जब अभी इसमें और आएंगे, एक बार के तो मैंने उतार दिए हैं, अभी जैसे थोड़ा और उबलेगा ना तो अभी और झाग बनेंगे, फिर वो भी हटाऊंगी, फिर उसके बाद में इस पे ढक्कन लगाऊंगी। नो फटाफट खाना डालो। डाल रही व्लॉग भी नहीं बनता मेरा, तू सोती रहती है सारा दिन। है 7 बजे की उठी हूँ। है डेली 7 बजे उठती हूँ और नहा लेती हूँ जल्दी। चलो खाना डालो। चलो चावल बनाए आज मैंने तेरे पसंद पसंदीदा। मैं तो डेली रोटी नहीं खाई पसंदीदा। और ये देखो इसके लिए मैंने ये खरीदे थे सिंगाड़े। मैं आ रही हूँ बस, चीनू के फेवरेट है। 1 मिनट में आई। आ जा। ये चावल और चने की सब्जी, घिया का रायता, चीनू का स्वाद फेवरेट। चीनू खाती है मजे से। मुझे चावल पसंद है क्योंकि कभी कभी बनते हैं। डेली बना दूंगी मैं तो, चिंता ना कर। डेली बनाऊंगा तो फिर पसंद आएगी, तो फिर तो कभी कभी के ही ठीक है। साथ में भाई हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, देसी रहना, देसी खाना। तो गाइस जो मैंने पराठे बनाए थे ना, तो आप लोग बता ही नहीं पाए वो किस चीज़ के पराठे थे, तो दोबारा से कमेंट कर दो कि वो पराठे किस चीज़ के थे। भाई बहुत धूप है बाहर, देखो अभी भी इतनी धूप है, गर्मियों जैसा मौसम है। तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दो कि पराठे किस चीज़ के थे। मैं सोच रही हूँ फिर से बनाऊँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले आप कमेंट करो उसके बाद मैं फिर से बनाऊँ। क्या हुआ तेरी तबीयत को स्वाति? 3-4 दिन से ठीक नहीं है, फीवर और कोल्ड, फिर खांसी हो गई। तो दवाई क्यों नहीं लाई? कल बोला था ले आई, खांस रही है तू, हाथ दवाई लगा लगा के जोर जोर से। दवाई मैंने ली थी, फीवर की ली थी, लेकिन खांसी का ही ठीक होती है, वो अपने टाइम पे ही ठीक होती है। नहीं हो जाती है, वो रखी हुई है कोका टैबलेट खांसी की है, वो लाऊं कूका? एक गोली में आराम खाना। अब ये ऐसे बोल के मुझे एकदम ध्यान आया, तूने बोला ना कि खांसी की दवाई कहाँ होती है, तो याद है आपको मैं कूका की लाई थी एक बार, वो एक ही टैबलेट से आराम हो जाता है। लाऊं? खाना खा के होंगे ना फिर। तो खाने में रायता बनाया, पर आज क्या हुआ कि कुकर सीटी नहीं दे रहा था, तो थोड़ी कच्ची रह गई घी, हल्की सी है बिल्कुल। रायता तो सही लग रहा है, पर और दिनों से, जैसे और दिनों अच्छे से घुट जाती थी वो। फिर सुबह जल्दी थी, मेरे को सब्जी और रायता दोनों बनाना था। एक कुकर ठीक है, दूसरा वो हवा लीक है उसमें, मेरे को लगा हो गई होगी। अब टाइम भी हो रहा था तुम्हारे पापा का ड्यूटी जाने का, तो क्या हुआ अब जैसा बना मैंने बना दिया। तो दो कुकर है ना? हाँ, तो एक में हवा लीक थी ना जिसमें मैंने घिया को उबाला, दूसरे वाले में कुछ, उसमें सब्जी थी चने की, उसमें चने उबल रहे थे, उसमें घिया उबल रही थी। चावल बनाया? हाँ मैंने चावल भी बनाया और मैंने रोटी भी बनाई, मैंने सब बनाया है, और रायता बनाया है, और चने की सब्जी एक नंबर की टेस्टी बनी है, एक नंबर की टेस्टी। और ये देखो मैंने भी बैंडेज लगाई है, पता है क्या हुआ, ये चक्कू लग गया। देखो नहीं मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन टेटनस का। अच्छा लगवाना चाहिए, वैसे एक दिन मेरे और लगा था वो लोहे का एक स्केल। तभी बोल रही हूँ।
हाँ तब भी मैंने सोचा था खुजली कर रहे थे ना। हाँ तो पता है क्या, मैं देखो दिखा भी देती हूँ, फिर मैं देखो ये लेके आई तो मैंने क्या करा, एक दिन बैठे बैठे कमर पे खुजा लिया इससे, और ये देखो इसकी नोक देख रहे हो, इसने मेरी कमर फाड़ दी पूरी। ऐसे ऐसे कर रही थी मैं, स्वाति को करके दिखाऊंगी ऊपर से ही, मैं ऐसे कर रही थी मतलब अंदर से कपड़े के, अभी तो मैं बाहर कर रही हूँ, ये वाला नहीं था और गोल, गलती से ये वाला था एरिया, और जो चिरा है और फिर जो मेरे वो दुखा है, बस भाई पूछो ही मत। तो लगवाया हो जाके, चल दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं, मेरे को डर लगता है इंजेक्शन से। नहीं लगेगा, लगता है सच में नहीं लगता, वो टेटनस वाला दर्द करता है, वो तो वैसे दर्द करता है, वो दर्द रहेगा उसका दो दिन, लगवाना तो है ही। तो किस किस ने टेटनस के इंजेक्शन लगवाया है, ये किसी को लोहे की चीज लगी हो, इसका भी तो दर्द रहा चार दिन, इसका भी रहेगा, टेटनस का तो सभी लगवाते थोड़ी बहुत, तो इधर उधर सबको ही लग जाता। हाँ उस दिन मेरे मन में आया था कि मैं लगवा लूँ, मेरे को ये जब लगा कमर पे तो मेरे था, फिर मैं भूल गई। तू अपने पैर में मत मार लिए ये, मैं तो बैलेंस कर रही हूँ इसको। चल अब बता मुझे, मेरे पास एक भी कमेंट आए नहीं है वैसे वाले कि वो पराठे किस चीज़ के थे, तो मैं तेरे से पूछने आई हूँ, तुझे पता है किस चीज़ के थे बताओ? पालक, मतलब पालक में आपने कुछ और ऐड करा था, थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा था उससे। मैंने वो एक ही चीज़ के बनाए थे, वो एक क्या चीज़ है मैं वो पूछ रही हूँ, मैंने कुछ ऐड नहीं करा, सिंगल चीज़ थी वो। नहीं पता मुझे। तुझे भी नहीं पता? मतलब टेस्ट तो थोड़ा अलग आ रहा था पर टेस्टी थे, अब ऐसे कैसे बताऊँ जब खांसी आ गई बीच में, सॉरी सॉरी स्वाति। नहीं पता मुझे। पक्का? या तू ये सोच रही कभी किसी को पता लग जाए? पता लग जाए तो अच्छी बात है। नहीं मतलब आप बता दो। मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जिसने खाया उसको भी नहीं पता, तो जिसने देखा उसको बेचारों को क्या पता। बोल तो रही हूँ कि पालक में कुछ और मिला रखा हो, ऐसा टेस्ट आ रहा था। ओ भाई क्या करूँ मैं, आप बताओ किस चीज के। मैं नहीं बताऊंगी, मैं आज फिर से कह रही हूँ कि कमेंट करो किस चीज के पराठे थे, फिर मैं जब अगली बार बनाऊंगी ना तो मैं दिखा दूंगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी अच्छा इस चीज के पराठे थे, ये पूछ रही हूँ। मुझे सब कंफ्यूज है, पता है? बता। नहीं बताऊंगी। स्वाति ना अपने नंबर बना रही है कि मुझे पता है, सबको पता लग जाए कि स्वाति को तो पता है। मुझे पता है कमेंट आएगा, लेकिन अगर उसमें सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अब दिखा देना अगली वीडियो। हाँ, ये ठीक है। इसी बात पे तो रोटी खा ले अच्छे बने चावल, और चावल पता है मैंने कैसे बनाए, जीरे वाले, वो तो प्लेन भी अच्छे लगते हैं, मेरा खुद मन है खाने का, मैं ला रही हूँ फिर से। मेरे भी लाना, दाल लाना। क्या रोटी या चावल? चावल। ठीक है। हेलो, थोड़ा सा कच्चा है पर ठीक लग रहा था, तो एक उसमें डालना था ना मिक्स करके, मैंने जानबूझ के इसमें डाला है कि तुझे जितना डालना हो। ओके।